महाराष्ट्र सरकार के मदद और पुनर्वसन मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर विजय वडेट्टीवार की जुबान फिसली। चंद्रपुर में आरोग्य शिविर कार्यक्रम में बोलते हुए वो नवनीत राणा और रवि राणा के लिए गालियों का इस्तेमाल करने लगे। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि नवनीत राणा और रवि राणा ने इस वक्त देश में अशांति का माहौल तैयार किया है, मुंबई में जानबूझकर बखेड़ा करते हुए अशांति फैलाई है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी कर दी है। इनका क्या मकसद है पता नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा पढ़नी ही चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हम मातोश्री जाकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए। तो एक खासदार और MLA जो एक फैमिली है, उन्होंने बेवजह से हिंदुस्तान में या दिल्ली में या मुंबई में और पूरे देश में बखेड़ा करा तैयार करने का काम किया था। इसी के साथ मुंबई को भी अशांत करने का काम, मुंबई में कानून सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम किया। मैं मुझे पता नहीं कि ये लोगों का मकसद क्या है, क्या संबंध है। हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे चोपटे खरामी, अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़। नहीं नहीं, उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए, तेरे बाप का नौकर है क्या, हराम घुरो। ऐसे ऐसे नीच लोग, नालायक लोग, हरामी लोग इस हिंदुस्तान में पैदा हो कि जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा लेंगे। अरे हर घर में हनुमान चालीसा है, हर घर में हिंदू धर्मियों में आपको सबको पता है कि शादी के पहले हनुमान जी का दर्शन करना पड़ता है। अब ये बताएंगे छोटे और बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ो। आज सब अपना अपना धर्म का, अपने अपने मजहब का आदर करना सबका काम होता है। अभी मुस्लिम भाई हमारे